close till I get up. Time is barely on our side. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे ऑल इन सर्विस चैनल, जिसमें आज हम फिर से एक डिवाइस लेकर आए हैं जो अपने खुद बनाएंगे। कुछ इसमें सामान सब इस्तेमाल करेंगे, डिवाइस भी इस्तेमाल करेंगे, आपको दिखाएंगे। छोटा डिवाइस बनाने जा रहे हैं जो आप देख रहे हैं वीडियो में। यहाँ पर दो हमने पावर सप्लाई अर्थात चार्जिंग बोर्ड ले लिए है जो 24 वोल्ट का है, और दो रिले लिए है जो 24 वोल्ट का है। इसमें हम एसी बाईपास का सिस्टम बनाएंगे, जो हमारा जो शॉप है उस वजह से किए हुए हैं, तो आप ही बना सकते हैं। क्योंकि आप हमारे शॉप में जो है लाइन आता जाता है और लाइन कट कट के आता है, तो इसके दौरान हमारे कुछ डिवाइस शॉर्ट हो गया अर्थात उड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं सामान से। इसीलिए हम एक डिवाइस बनाना चाह रहे हैं जो आपको लिए सहायता होगी, क्योंकि इस डिवाइस के जरिए आपका डिवाइस उड़ने की चांस नहीं रहेगी। क्योंकि एसी क्रेड कट के आएंगे तो आपका बाईपास क्रेड ऑटोमेटिक नहीं होगा, इसीलिए हमने प्रेस करेंगे तभी जाएगा अंदर, मशीन में जाएगा, मशीन हमारा सेफ्टी रहेगा। इसी कारण से हमने बनाने जा रहे हैं। तो हमारे वीडियो बने रही और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, जो समस्या आपको समझ में नहीं आएगी कोई भी इस डिवाइस के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमने एक आउटडोर स्विच ले चुके हैं, वो भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। दो हमारे इसमें इस्तेमाल होने वाला चीज़ है जो चार्जर है, एक ट्रांसफार्मर है और दो रिले है, तो सभी इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसमें हम। अच्छी तरीके से आप देखते जाइए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी चीज़ हमारे इस्तेमाल होगा वो कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें हमारा बॉडी जो है इसका बॉडी बहुत छोटा है, इसलिए हमको कुछ प्रॉब्लम होगी वायरिंग करने में। लेकिन अच्छी तरीके से आपको दिखाएंगे हम आपको। इतना लंबा बॉडी रहता है उसमें समझने में बहुत आसान हो जाती है किसी को भी, ये बॉडी बहुत छोटा है, इसीलिए हम अच्छी तरीके से वायरिंग करेंगे। तो हमने इसमें इस तरह से वायरिंग करने जा रहे हैं, जो हमारा डिवाइस जो है वो एसी करंट लेगा, और हमारा प्रोसेस करने के बाद अर्थात पुश करने के बाद हमारा एसी आउट करेगा, जिस तरह स्विच होता है। जो आप बड़े बड़े मशीन देखे होंगे, जो मशीन हमारा हो जाता है जो लगा हुआ रहता है वो मशीन जो है, तो कंडक्टर हमारे यहाँ बहुत महंगा मिलता है, लेकिन इसी दौरान हमने छोटे छोटे आधार कम पैसे में इसे बनाने प्रयास किए हैं। तो हमारा वीडियो बने रहिए और पूरा फुल वॉच कीजिए, हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। इस तरीके से बनाने से आपका मशीन और सेफ्टी रहेगा। तो हमने पूरा शानदार तरीके से दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वीडियो में दिख ही रहा होगा। तो हमने पावर सप्लाई जितना भी दो भी चीज़ लगाए हुए हैं, जिनमें तार हमने एसी का पॉइंट निकाल चुके हैं, और डीसी पॉइंट देख रहे हैं ब्लैक और काला में है, उस वायरिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर आपको रिला चेक कर दिखाते हैं, जो रिला हमारा जो है ओके ओके है, देख रहे हैं ये चीज़ आपको चेक कर दिखा रहे हैं। इसमें हमारा जब 12 वोल्ट जाएगा तो ये हमारा शो करेगा, जो वीडियो में दिख रहा होगा। ये हमारे रिला में 3 पॉइंट होता है, जो 1 पॉइंट कॉमन होता है और 2 पॉइंट आउटपुट कट कर आता है। जो हमारा 12 वोल्ट पुश करेंगे तो हमारा लाइट कट कट के आता है, वो सिस्टम रिला में रहता है। तो हमने ये जो ग्रीन कलर का तार जो देख रहे हैं, ये हमारा एसी लाइन एसी का तार है, जो हमने वहाँ पर लगाना है, जो हमारा और इनपुट और आउटपुट होकर आया फ्रेंड उसमें लगाएंगे। तो आपको वीडियो में बने रही है, दिखाते हैं अच्छी तरीके से। तो हमने ये जो आपको अभी जो फिट में करने जा रहे हैं, ये हमारा आउटपुट में काम करेगा, ये जो 2 वोल्ट चार्जर जो लगा हुआ है अडैप्टर है, ये हमारा आउटपुट में काम करेगा। इसको पहले मतलब तरीका से अपने खींची के जरिए से तार को, तो वीडियो में बने रहिए और देखते जाइए। जो हमने इस तरीके से सोल्डिंग कर लेते पहले, जो वायरिंग हमारा छिला कुछ इंस्ट्रक्शन किए थे, तो यहाँ पर जो दिख रहा होगा वो जो हमारा तार को कुछ में कट किए हैं, क्योंकि हम जगह ज्वाइंट नहीं देना चाहते, इसीलिए तो हमने तार को नीचे से कट किए हैं। तो यहाँ पर हमने 12 वोल्ट के प्लस में कर जो है सोल्डिंग कर दिए है हमने। ये हमारा 24 वोल्ट का तार है जो हमारे अडैप्टर से होकर आ रहा है, और दूसरा रिला भी सेटिंग कर देंगे इस तरीके से, जिस तरीके से हमने पहले किए थे, और इसको और इसी तरीके से ड्रेसिंग करते जाएंगे हम, क्योंकि अब तार में बिखरा रहेगा तो समझ में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए तार इसमें काफ़ी लगने वाला है, तो बिखर जाएगा तार तो समझ में कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं आप। तो हमने इसे सोल्डिंग कर दिए है, क्योंकि हमारे से काफ़ी हीट लग रहा है, तो रिला बहुत लगने वाला है, इसीलिए ये रिला दिख रहा है अभी हमारा 20 एम्पीयर का रिला है। और दूसरा अडैप्टर का भी तार ले लेते हैं हम, उसको भी इस तरीके से सेटिंग करेंगे, जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा।
ये जो तार आपको बाहर में हमें निकालने जा रहा है, ये तार हमारा स्विच के लिए दिए हुए हैं, इस्तेमाल करेंगे इससे, क्योंकि जब हम इसको प्रेस करेंगे स्विच तभी तो हमारा लाइन सप्लाई करेगा, मतलब सप्लाई नहीं करेगा, इसके हमारा नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे वीडियो को अच्छी तरह देखिए, बहुत शानदार वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये आपको किसी भी यूट्यूब में आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। यहाँ पर हमने ब्लैक तार को भी वायरिंग करते हैं, जो दोनों अडैप्टर तार आता है उसी तरीके से अडैप्टर इसमें कच्ची का वायरिंग करेंगे, क्योंकि हमारा लाइन जो इसमें कट कट आएगा तो अडैप्टर लाइन कट जाएगा, दूसरा अडैप्टर काम करेगा इस तरीके से। तो हमने पूरे तार यहाँ पर सोल्डिंग कर देते हैं और दोनों अडैप्टर अटैच कर देते हैं। तो आपके लिए हम बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाने जा रहे हैं, सो ही वीडियो फास्ट भी नहीं किए हैं। हम लोग का वोल्टेज कुछ कम रहता है यहाँ पर, जो आयरन सोल्डिंग में भी दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर देख रहे वीडियो में जो तार हमने बाहर निकाले हैं वो हमारे इसमें कैपेसिटर भी था, इसमें कैपेसिटर भी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने स्विच लगाने हैं, कैपेसिटर अंदर में लगेगा, वायरिंग लगाएंगे और यहाँ पर हम स्विच लगा रहे हैं, जो हमारा पुश स्विच है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेस करता है, यहाँ पर इसमें लॉक नहीं रहता है, पुश करता है और छोड़ देता है। इसी तरह से सोल्डिंग कर देना है। और सोल्डिंग करने के बाद इसे हम ग्लू गन के धरिए इसे हम यहाँ पर चिपका देंगे सेफ्टी के साथ। इसमें क्रेट नहीं रहेगा, इसमें 12 सिर्फ और सिर्फ 24 वोल्ट रहेगा, इसको भी हम सोल्यूशन के जरिए से ब्लॉक कर देंगे, जो वीडियो आपको दिखाएंगे, हर वीडियो बने रहिए। तो हमने एक इन ग्लू गन को लाइन डाल चुके हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने चिपका देते हैं थोड़ा, और चिपकाने के बाद इसको छोड़ देंगे 5 सेकंड में ये जम हो जाएगा। और जो तार आपको दिख रहा होगा वहाँ पर बैठा हुआ है, उसमें कैपेसिटर लगा देंगे हम, जो हमारे कैपेसिटर जो है 25 वोल्ट प्लस 5 UF का कैपेसिटर इसमें लगने वाला है, क्योंकि ज़रा UF लगाएंगे तो हमारे इसलिए काम फास्ट में नहीं करेंगे, इसमें कि मिलने से काम कराना है, ज़रा UF का लगाएंगे तो आपको रिले जो काम नहीं करेगा। हमने यहाँ पर 5 UF का रिले लगाए हैं, कैपेसिटर लगाए हुए हैं, लगाएंगे तो हमारे वीडियो में बने रहिए। और ये जो देख रहे हैं तार, ये हमारा फैन का तार है, जो हमारा जब एसी आउटपुट होकर हमारा सप्लाई करेगा लाइन जब हमारे मशीन से, में ये हमारा फैन ऑटोमेटिकली चलने लगेगा, और हमारे यहाँ रिले प्लस 4 अडैप्टर को ठंडा रहेगा, कूलिंग रखेगा, मशीन हमारा जितना ठंडा रहेगा उतना जीवन के चांस नहीं रहती है, इसलिए हम यहाँ फैन भी इसमें लगा दिए है, 12 वोल्ट रखना है। जो इसमें अडैप्टर जो हम लगाए हुए, ये अडैप्टर हमारा 12+12 है, 12-0-12 अडैप्टर है, इसमें हमारा 24 वोल्ट आता है, तो हम रिले में 24 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं और फैन को भी हम 12 वोल्ट देंगे। चलो वीडियो में बने रही है। और ये तार जो दिख रहे हैं आपको, जो हमने सोल्डिंग किया है, जो हमारा 2 रिले है, इसमें प्रत्येक रिले को अर्थात एक रिले में 2 अडैप्टर तार लगाए हैं, एक ही फ्यूज में दिए हुए, एक न्यूट्रल का एक फेज का तार है, न्यूट्रल एक फेज का रिले है और एक न्यूट्रल का रिले है, हमने यहाँ पर 2 रिले का इस्तेमाल किया है, जो दोनों फेज हमारा कटेगा, इसलिए आप एक रिले भी बना सकते हैं, हमने इसमें 2 रिले इस्तेमाल किए हैं, जो हमारे एक बार में 2 फेज कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इसलिए। और ये जो तार देख रहे हैं, इसे चिकित करने के लिए हमसे लगाने जा रहे हैं, बाद में इसको खुल हटा देंगे, यहाँ पर कुछ वायरिंग करेंगे तो इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए तो पहले हम जो रिले को वायरिंग कर लेना है। और यहाँ पर जो ऑन ऑफ स्विच दिए हुए हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे, जो कभी वक्त हमारा जो रिले ख़राब हो जाता है तो लाइट हमारे मशीन की तरफ नहीं जा पाएंगे, उसको भी बनाने के समय नहीं मिलती, इसीलिए तो हमने यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच लगा दी है, जो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए शूटिंग कर लेते हैं। 2 तार ले लिए हैं,
और यहाँ पर ये जो तार दिख रहा होगा एक्सप्रेस लिंक करने जा रहे हैं, ये तार हमारा स्टेपलर के होकर स्टेपलर होकर जाएगा, तो हम इसमें तीन तीन कनेक्शन से लिंक करने जा रहे हैं। ये तार हमारा रिले में लगेगा, ये एक एक फेज दो रिला में लगेगा, एक नीट वाले फेज, तो हमने यहाँ पर सोल्डिंग करना है। तो ये जो तार अभी लग रहा है तार हमारा सप्लाई का तार है, और दूसरी ये भी हम सेटिंग कर दिया है। ये सप्लाई का तार है जो हमारा 12 वोल्ट लाइन जाएगा इसमें, तो हमारे ये करेंट सप्लाई करेगा, नहीं जाएगा करेंट बात सप्लाई नहीं करेगा। अब जो ये तार हमने यहाँ पर लगाए हुए ये हम चेकिंग करने के लिए लगाएंगे इसमें 12 वोल्ट करेंट को। ये तार आपको दिख रहा होगा अभी सेटिंग के, ये हमारा डायरेक्ट तार हो गया है, ये डायरेक्ट में काम करेगा। जो हमारा रिले जब ख़राब हो जाएगा तो एक तार जो से नोटबुक से जो दिए हुए हैं इसको हम ऑन ऑफ करेंगे अर्थात ऑफ डाउन करेंगे तो हमारे से लाइन आएगा, और ऑफ में हमारा जो स्टेबलाइजर रहेगा और डाउन में हमारा जैसे डायरेक्ट लाइन रहेगा। यहाँ इस दौरान हम बनाने जा रहे हैं, देख सकते ड्रेसिंग भी कर दिए रखे हुए हैं, इसलिए समझने में दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये जो तार हमने ये लगाए हुए हैं ये तार हमने यहाँ पर सप्लाई के लिए दिए हैं जो हम चेक करने के लिए आप दिखाएंगे, इसलिए जब सेटिंग करेंगे मैं इसमें किस तरह हटा देंगे। ये हमारा 3.6 है, बीच में ऑफ भी कर सकते हैं, और ये हमारा प्रोसेस पूरा फुल हो गया है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिए हैं मेन और स्टेबलाइजर, जो मेन का अर्थ ये हमने डाले हुए हैं, जो मेन जो हमारा है डायरेक्ट लाइन होकर डायरेक्ट मशीन चला जाएगा, और ये जो स्टेबलाइजर लिखे हुए हैं हमने ऊपर की तरफ वो जब ऊपर तरफ करेंगे तो रिला काम करेगा, इसलिए हम लिखे हुए हैं। तो गाइस यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो तार लिए हुए हमने ये हमारा बल्ब हो गया इंडिकेटर का, यहाँ पर इंडिकेटर शो करेगा हमारा, जो यहाँ पर तीन इंडिकेटर शो करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जब लाइन आएगा मशीन में तो वो आपको शो करेगा लाइन सप्लाई करने के बाद दूसरा शो करेगा, और जब स्टेबलाइजर लाइन शो करेगा थोड़ा शो करेगा, इसमें इस तरीका से बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा मेन तार हो गया है, जो हमारा रिले में जो लाइन सप्लाई खुद होकर डायरेक्ट आएगा तो हमारा ये इंडिकेटर शो करेगा। इस तरीका से हमें तीन यहाँ पर बल्ब लगाएंगे, और फिर ये दूसरा लेते हैं जिसमें रेल इंडिकेटर शो किए हुए हैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दे रहे हैं, जो कैपेसिटर हमने वीडियो में बताए हुए थे, जो कैपेसिटर जो हमारा 25 वोल्ट प्लस 5 EF का कैपेसिटर उसमें लगने वाला है, उसको पहले हम यहाँ फिक्स कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कैपेसिटर जो लगाने चाहिए नेगेटिव पॉजिटिव में डाले हुए, जो हमारे कैपेसिटर में एक धर्सो होता है जो व्हाइट कलर का होता है वो नेगेटिव में जाता है, इसी ध्यान रखना है। और एक रिला फिर भी हम इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो रिला हमारा 12 वोल्ट का है उसमें वो भी सेटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा एक कनेक्शन जो है जो कनेक्शन ही सेटिंग कर देना पड़ता है, छोटा रिला है या 20 एम्पीयर का भी है छोटा रिला है। और यहाँ पे सेटिंग करेंगे जो हमारे एक अडैप्टर पर दिख रहा है वीडियो में, ये हमारा जो छोटा चार्जर है जो यहाँ पर सेटिंग करेगा, देखो टोटल तार खुल के यहाँ पर निकाल देंगे चेक किए हुए किसी लिए, और ये हमारा स्टेबलाइजर शो करेगा, स्टेबलाइजर के इंडिकेटर इसमें शो करेगा। तो हमारे वीडियो में आपको कैसा लगा, आपको हमारे वीडियो बने रहिए,
लाइक से कमेंट करना मत भूलिए, और कोई भी समस्या होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसको हम नए वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो गाइस हमें तार भी ले चुके हैं और सोल्डिंग करके हम सोल्डिंग कर देते हैं, और तार लिए हुए हमें, यह हमारा बॉल का तार हो गया, इसको सोल्डिंग कर देते हैं। न्यूट्रल आप फिर निकाल लेंगे, यह हमारा फेज का तार है। और ये जो हमारा आपको जो अभी तार जो दिख रहा होगा, ये हमारा मेन लाइन का प्रेस होने के बाद ये दिखाएगा, जो आपको वीडियो में दिखाएंगे पूरा फुल वाला दिखाएंगे बने हुए वीडियो में। ये तार हमारा बड़ा रिलाम लगने वाला है जो सप्लाई में शो करेगा। तो हमारे ये वर्क जो है पूरा कम्प्लीट हो चुका है, अब हम कुछ तारे हैं जो हम सेटिंग करके आपको देखेंगे वीडियो में, और यहाँ काम पूरा प्रोसेस हो चुका है। एक इसमें हम एक स्विच और लगाएंगे, और बने रहिए। यहाँ पर हमने दो न्यूट्रल तार यहाँ पर ले लिया है, और एक न्यूट्रल फिर से डाल देंगे। तो गाइस हमारे वीडियो को देखते जाइए और फुल वॉच कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और जितना भी हो सके शेयर भी कीजिए, क्योंकि अब ये हम अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, ऐसे बना के नए नए डिवाइस के बारे में बना के आपके डालते रहेंगे, आपके लिए आप घर पर ही बना सकते हैं अपने टेक्निकल के लिए, और पूरा फुल शानदार तरीका से इसे बनाने का प्रयास किए हुए हैं। और दिख रहा है कोने में छोटा जो रिले है, उस रिले में भी पॉइंट हमारा 12 वोल्ट का है, वो भी कनेक्शन हमने पहले कर दिए हुए हैं, और इसमें भी दो जो एसी पॉइंट, एक कॉमन होता है एक एसी होता है, इसको भी यहाँ पर सेटिंग कर देंगे जो हमारा आउटपुट में होगा। तो हमने यहाँ पर एक कॉमन तार को यहाँ पर डाल दिए, जो पहले आपको नहीं बोले थे, तो यहाँ पर हमने सेटिंग कर दिए हैं, और ये हमारा प्रोसेस पूरा हो गया है। और ये जो तार जो आप देख रहे होंगे, ये तार हमारा आउटपुट का तार है जो हमारा मशीन में जाएगा। यहाँ पर जो हमने ऑटो स्विच जो लगाए हुए थे उसमें से सेटिंग करना है, जो हमने फिर को न्यूट्रल में डालना है, न्यूट्रल उल्टा होगा तो हमारे कनेक्शन उल्टा करना पड़ेगा। जो आपको दिख रहा होगा जो वायर में ट्यूब मारा हुआ है, जो ब्लैक कलर का ट्यूब जो लगा हुआ है न्यूट्रल में जाएगा, उस दौरान सेटिंग करना है इसमें। यहाँ पर मिस्टेक करेंगे तो हमारे कितना कनेक्शन हमारा उल्टा करना पड़ेगा। और ये तार तीन जो तार जो दिख रहे हैं, ये हमारे जो स्टेपर एक न्यूट्रल है, ये एक इनपुट है, ये आउटपुट है, जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो हमने इनपुट सेटिंग करना है, आउटपुट का आउटपुट सेटिंग करना है। यहाँ पर उसकी तरह से सेटिंग करेंगे जो हमारा प्रॉब्लम नहीं आएगा, और सप्लाई अच्छी तरीके से हो जाएगा, जो एक बार में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इसलिए तो हमने यहाँ पर अच्छी तरह से सेटिंग करेंगे। और हमारी वीडियो बनी रही है, ये देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने यहाँ पाया हुआ है, और इसका फिर भी यहाँ पाया हुआ है, सेटिंग करेंगे जो फ्रिज को फ्रिज में डालेंगे, नहीं तो न्यूट्रल डालेंगे। ये हमारा फ्रिज है, बने रही है, फुल वॉच कीजिए। ये तार को हमने हटा दिया है गाइस, क्योंकि हमने जो तार को लगाए हुए थे आपको दिखाने के लिए, हमने पहले आपको बोल दी थी ये तार को हटा देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट का तार जो है, जो स्टेपलर आया हुआ है, उस तार को यहाँ पर प्रोसेस लगाएंगे। फिर जो गीला आपको दिख रहा है वहाँ हम छोड़ा दिए हैं, उस तरफ सेटिंग करके इनपुट लेंगे और यहाँ पर आउटपुट कर देंगे, और न्यूट्रल इनपुट छोड़ देंगे।
तो पहले हम सोल्डिंग कर लेते हैं वायरिंग, जो हमारा सेटिंग करने में बहुत दिक्कत ना हो इसलिए। तो हमने अच्छे तरीके से हम सोल्डिंग कर देते हैं, क्योंकि जो काफ़ी सोल्डिंग करने वाला है। ये हमारा फ्रिज निकल गया है, जो भी हम दिखाएंगे यहाँ निकल फ्रिज है। और ये हमारा इनपुट हो गया, जो स्टीपन रहेगा यहाँ पर, इसको इनपुट कर देते हैं। और ये देख रहे वीडियो में, ये तार जो हमारा है, ये आउटपुट का है, जो हमने तार खोल के हटाए अभी, तो वही तार है जो इस तरह घूम कर आता है। तो हमारा ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है गाइज। आप हमारे वीडियो फुल वॉच की कर रहे हैं, अच्छी तरीके से देखते जाइए। और यहाँ पर हमने दो तार ली, जो हमारा मीटर से होकर आया हुआ है। तो हम इसके यहाँ पर पहले फेज छुटिया लेते हैं। ये हमारा न्यूट्रल फेज हो चुका है, ये हमारा फेज है, यहाँ पर देख रहे हैं इंडिकेटर जल रहा है। तो यहाँ पर ऐसे उत्तेजा सेटिंग करके यहाँ न्यूट्रल फेज है, ये न्यूट्रल इंट्रोल डालेंगे, इसलिए दुर्गा हमारा हर एक कनेक्शन सही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए। और यहाँ पर हमारा फेज हम लगा चुके हैं, और ये हमारा प्रोसेस पूरा फुल हो चुका है। चलो चेक करके दिखाते हैं हम। और हमको पहले ही बताए हुए थे, जब हम लोग एक रिला और प्लस दो रिले जो अडैप्टर एक ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करेंगे, तो हमने यहाँ पे एक अडैप्टर लगाए हुए थे, अडैप्टर हटा चुके हैं, ट्रांसफॉर्मर सेटिंग कर दिया है। और देख सकते हैं प्रोसेस पूरा फुल दिखा दिए, ये हमें भी हमारे डायरेक्ट हो चुका है, जो रिले से कोई मतलब नहीं है, जो लाइन आगे कटेगा। आप जो दिखाएंगे देख रहे हैं, हम जो ऑन किए हैं, यहाँ पर हमारा रिला काम करेगा। तो हमने प्रेस कर दिया बटन को, यहाँ पर लाइन होल्ड हो जाएगा, रिपीट कीजिए। और देखिए वीडियो में साफ साफ दिख रहा होगा, जो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है।